issue is a group of similar भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है सेल्स विच वर्क टूगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर टिश्यू जैसे हमारे बॉडी में मस्कुलर टिश्यू है उसी की वजह से हम कोई चीज उठा पाते हैं अगर सिर्फ स्केलेटन होता तो क्या उठा लेते नहीं उठा सकते थे मसल्स हमको इनेबल कर दिए सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म There are millions of cells which are not in immediate contact of atmosphere जैसे कि अमीबा में एक ही सेल होता है लेकिन वो तो आउटसाइड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है वही अपना न्यूट्रिशन भी ले लेता है एक्सक्रीशन भी कर लेता है डाइजेशन भी कर लेता है लोकोमोशन भी कर लेता है चारों तरफ तो खाना पानी सब है अब हमारे बॉडी की अंदर की जो सेल है क्या वो अपना खाना खुद ले पाएगी नहीं ले पाएगी तो हम लोगों में काम का बंटवारा होता है हम लोगों में काम का बंटवारा कैसे होता है सब इमीडिएट कांटेक्ट में तुम चाहे तो देख लो करके तुम यहाँ खाना रख के देख लो और जिंदा रह के दिखा दो तुम सोचो इस सेल से तुम यहाँ से खाना ले लेना और अंदर स्टमक को दे देना इसमें 2.5 साल लगेंगे ऐसा नहीं है यहाँ वाली सेल ले लेगी थोड़ा खा लेगी न्यूट्रिशन ले लेगी फिर भी इसके ऊपर ये डेड सेल स्किन की लेयर है वो इसे लेने नहीं देगी ये भी तो ऊपर वाली स्ट्रिएटेड मसल्स वो है ना स्किन टिश्यू तो अगर हम ऐसा होता तो आँख हमारी खाना देखती है क्या करेगी आप खाना देखेंगे पैर चल के जाएंगे फिर हाथ उठाएंगे नाक स्मेल करेगी हाँ ये ठीक है खा जा सकता है टंग फिर इंश्योर करेगी यस फिर टेस्ट इज करेगी नाक भी इंश्योर करेगी टंग भी करेगी फिर इसके बाद जब अंदर जाएगा स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा इंटेस्टाइन लेकिन फिर भी ब्लड उसको ले जाके हर सेल के पास जाएंगे खाना ले लो पानी ले लो ऑक्सीजन ले लो CO2 दे दो देंगे भी लेंगे तो ये सब मिला जुला काम है अगर ऐसा न होता तो क्या हर सेल को ये सब मिल पाता वो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आर दे वर्किंग टुगेदर बोलो वो लोग कैसे कर रहे हैं बताइए दे आर वर्किंग टुगेदर तो इस तरीके से हम ये देखते हैं मान लीजिए मान्या काम का बंटवारा ना होता और तुम सोचो यहाँ पर खाना रख ले दाल चावल तो खाना खा लेगा आँख का काम देखने का है क्या उसका खाना डाइजेस्ट करने का काम है नहीं सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन से काम नहीं हो सकता जैसा इसमें हुआ डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस तो स्लो प्रोसेस से काम नहीं हो सकता तो हम लोगों में क्या हुआ बताइए डिवीजन ऑफ लेबर किसी को डाइजेशन करना है किसी को लोकोमोशन करना है किसी को पिकअप करना है खाना उठा के खाना है इसीलिए तो पूरी बॉडी बनी है फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से भी काम नहीं है एक्सक्रीशन के लिए अलग से एक्सक्रीशन सिस्टम हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन सिस्टम ये इसी तरीके से डाइजेशन का अलग सिस्टम है हर एक चीज़ का अलग है रेस्पिरेशन O2 की सप्लाई के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम खाने की सप्लाई के लिए ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम खाने को खाने के लिए दैट इज न्यूट्रिशन सिस्टम लोकोमोशन का अलग सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम तो कितने सारे ऑर्गन सिस्टम 12 सिस्टम इस शरीर में चल रहे हैं और सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं खाना यहाँ पहुँचा नहीं कि मुँह अपने आप खुल गया ये कैसा कोऑर्डिनेशन डिवीजन ऑफ लव ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ लग जाए मुँह न खुले कर हम तो नहीं खुलते खिला के दिखा लो ऐसा हो रहा है सो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जब खाना आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ ब्लड आ गया लाओ न्यूट्रिशन हमारा काम है हमें सेल को पहुँचाना है ब्लड लेके जाएगा सब सेल से पूछेगा और जब वो ब्लड लेके जाएगा हार्ट कहेगा हम तुम्हारी मदद करते हैं पंपिंग सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेटरी
तो वो पंप करेगा, और जाना तो जाते समय CO2 लेके आ जाना और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी ले आना, वो यूरिन बनाना है लीवर को दे देना जाके, लीवर भी किडनी की मदद से, किडनी एक फिल्टर है, फिल्टर करके यूरिन बना देगी, फिर निकल जाएगा यूरेथ्रा से, ऑक्सीजन सिस्टम बना दिया, सब सिस्टम एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई? सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सिस्टम, दे वर्क टुगेदर। क्यों मिल के काम कर रहे हैं? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन कैन नॉट वर्क। नहीं तो खाना यहाँ रख के देख लो, 2.5 साल बाद तुम्हारे पेट पहुँचेगा तो कोई जिंदा ही नहीं, तुम यहीं से खिला के देख लो, होगा कुछ? तो इसलिए दीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट ऑफ एटमोसफियर, सो डिवीजन, इसलिए क्या होगा बोलो? डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन इट। काम का बंटवारा हो गया, बोला कुछ लोग इसमें हैं, कुछ लोग इसमें खाना लाएंगे, कुछ ऐसे करेंगे। हाँ, तुम ताकतवर दिखते हो, तुम दौड़ जाना, तुम मसल चलो, तुम लोग मसल चलो, तुम लोग मिलके दौड़ना, खाना लेना, तुम अच्छा खाना बना लेते हो, डाइजेस्ट करा लेते हो, तुम डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाना। तो सेल्स को देखा जाता है कौन डिफरेंट टाइप्स की क्या क्या कर सकती हैं, एंड ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल undertake a particular kind of job, yes I will do it for our body, yes, ये कहेगा हम muscular हैं, हम दौड़ेंगे, muscle cell अलग काम कर रही हैं, digestive cell अलग, और कुछ कहती हैं हमारी नज़र तेज, हम optic nurse बन जाते हैं, हम देखेंगे खाना कहाँ कहाँ वहाँ से ले आएंगे। तो इस तरीके से हमारी body में अब पहले काम का बंटवारा हो गया, एक particular kind of cells of similar kind and similar size and similar structure undertake a particular job and in this way they perform it, ठीक है, for the benefit of which is best suited for body, किसके लिए perform करती हैं, ऐसा काम करती हैं जो हमारी body के लिए, under control and coordination, okay? तो क्या होगा? Now a particular kind of cells, particular kind of cells group together, और क्या करेंगी? एंड वर्क टुगेदर, वर्क भी साथ करेंगे, दे अंडरटेक, दीज अंडरटेक अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी जो इतने सारे काम का बंटवारा हो गया है, स्पेसिफिक टास्क को वो ले लेंगी एंड डू इट फॉर सर्वाइवल ऑफ। तो ये यूटिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल साइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वॉटर एंड मिनरल इम्प्लांट, मस्कुलर टिश्यू इनेबल्स अस टू परफॉर्म, टू डू लेबर, जो मेहनत का काम होगा वो किसकी मदद से होगा? नाउ अगेन टेस्ट क्वेश्चन देखिए, that is name type of simple tissue, वैसे तो टाइप ऑफ जो परमानेंट है सिंपल, सिंपल में भी सपोर्टिव है, और सपोर्टिव भी है और दूसरा है प्रोटेक्टिव, लेकिन चाहे प्रोटेक्टिव भी हो वो या तो पैरेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा, कुछ ना कुछ तो होंगे, तो सिंपल टिश्यू तीन ही तरीके का, दैट इज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट ही बना दो, दैट इज सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव,
अभिषेक प्रोटेक्टिव में कौन कौन सा है? सर प्रोटेक्टिव में एपिडर्मिस और कॉर्न। ठीक है, एपिडर्मिस एंड कॉर्न। सपोर्टिव में रोहन कौन कौन से हैं? सर कॉर कॉर क्या कहते हैं? क्या सर कॉर कॉर कुछ भी कह सकते हैं? और को क्या कह सकते हैं? सर फैलम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैलम। फैनम। ठीक है, देख लेंगे, हमारी जानकारी नहीं है। अगला देखो, व्हाट इज वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? निष्का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये अगले इंटेक्स्ट है, अगले पेज के अंदर से देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, एपिकल मेरिस्टेम इसका कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। फाउंड एट टिप ऑफ रूट and shoot. Question number 3, which tissue makes up, now ahana, which tissue makes up husk of coconut? Square enchyma, because it is hardest to the plant. Sahi hai, square enchyma, because it gives toughness and rigidity. To seed of coconut, ये किसको देता है? वो प्लांट नहीं है आना, वो सीड है। Now, what are the constituents of phloem? फलर। लक्षिता सर, सील सेल, सील ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड सर फ्लोएम पेलिकन। सो दैट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू आर सील सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल, फ्लोएम। पैरेन्काइमा। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। Transports water and minerals in plants. अच्छा, मतलब जो उसके ऊपर जो ऊपर का भूसा है, हस्क लिखो, फिर ये रिजिडिटी की भी नहीं लिखना है, बस कुछ नहीं लिखो, इसको कट ही कर दो, हस्क के बारे में पाया गया ना, कुछ नहीं लिखो। इट ट्रांसपोर्ट दैट इज न्यूट्रिशन या फूड, कार्बोहाइड्रेट,
और भी कुछ भी करना है तो भी हो सकता है, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, इम्प्लांट्स। नाउ इट्स ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी अपवर्ड या एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी के उल्टा। इट्स ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल साइलम टिश्यू इज फाउंड इन इनर पार्ट ऑफ स्टन। ये तो तुमको पता है ना, अंदर में जाइलम है, बाहर में क्या है? और ये इनर पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। साइलम टिश्यू इज लोकेटेड एट इनर पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। इट इज लोकेटेड एट आउटर पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। बोलो उधर का है, नाउ ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोमेंट। अर्षिता इसका काउंटर पार्ट बोलो। ठीक है, ट्रांसलोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल, इस खाने के शिफ्टिंग को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब वाटर के उड़ जाने को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन का मतलब ऑस्मोसिक प्रेशर आना, फिर दबना, ये सब ट्रांसलोकेशन। और वाटर का सिर्फ उड़ जाना, वेपराइज हो जाना ही इतना ही। रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसफर, मोस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर डेड, थ्री कंपोनेंट्स डेड है। सो मयंक, इसके कौन कौन से कंपोनेंट डेड है? सर सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है सर। ओनली साइलम इज लाइव, मुझे लगा मोस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स नो एटीपी ऑफ एनर्जी। मयंक किसका काउंटर पार्ट बोलो। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इट इज फिजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स नो एटीपी एनर्जी, नो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी।
सर जाइलम में भी सर कोई सेल फूड स्टोर कर करता है सर? जाइलम यस सर करता है सर, टाइम आई करता हूं। जो नई बुक है उसमें सीव सेल लिखा है, पांच कंपोनेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सीव सेल है ना, कहाँ लिखा है? सर सीव सेल लेटर, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो कंपोनेंट पूछ रहा है, तो डायग्राम में तो कंपोनेंट नहीं बताएगा। यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट है, इट इज केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इट रिक्वायर्स 2 ATP of energy per glucose molecule transfer. Vacuum suction is responsible for transport, जबकि osmotic pressure, differential pressure is responsible for transport. इसमें वैक्यूम की वजह से होता है, लिखना लिखो, वरना वो जाइलम का कोई हिस्सा नहीं, वो तो फंक्शन का है, फंक्शन में ही नहीं। नाउ एनिमल सेल्स, सर जो टिश्यू, सर जो टंग है सर, वो भी एक सर सर एक मसल है। एनिमल टिश्यू टिश्यूज फाउंड इन एनिमल्स आर कॉम्प्लेक्स वन एंड टर्म्ड एज एनिमल टिश्यू। प्लांट और टिश्यू में, प्लांट और एनिमल में इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? नहीं ऐसे हम में, हम प्लांट नहीं हम एनिमल है, बताओ क्यों? सेलवार नहीं, सही कह रहे हो, ये तो बात सही, और कुछ हो सकता है, दोनों ही मल्टी सेलर। और प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स और हम हीटरोट्रोप्स हैं। और बोलो क्या बोल रहे? सही है, तो ये बात सही है। नाउ टिश्यूज फाउंड इन एनिमल, क्या बताओ? तो हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को शिफ्ट करने में जो एनर्जी चाहिए वो 2 ATP चाहिए। इट रिक्वायर्स 2 ATP ऑफ एनर्जी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसफर। टिश्यूज फाउंड इन एनिमल आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। ठीक है, और ये टिश्यू कैसे होते हैं? दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है एंड एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन इट। बहुत ज्यादा काम का बंटवारा होता है, हम लोग का शरीर चल फिर सकता है, बहुत सारे काम करता है, 12 तरीके के तो ऑर्गन सिस्टम हम लोगों में है, उनमें तो सिर्फ रूट सिस्टम और सूट सिस्टम ही है, तो क्या हम में बहुत काम का बंटवारा नहीं होगा? कृपा बोलो, होगा कि नहीं? सो इसलिए इट इज, दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब हम देखेंगे कि एनिमल टिश्यू कौन कौन से तरीके के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड देर आर व्हाट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज आर देयर, लेट अस सी। एनिमल टिश्यूज 5 तरीके के हैं,
एपिथेलियल टिश्यू, ये पैकिंग के लिए है। किसी भी चीज की पैकिंग करनी हो, ये देखो जैसे टंग की पैकिंग एपिथेलियल टिश्यू ने कर रखी है, इनर लाइनिंग, चीक्स इनर लाइनिंग, इसको अपनी जगह पैक किसने कर रखा है? एपिथेलियल टिश्यू। हमारे हार्ट को एपिथेलियल टिश्यू ने पैक कर रखा है। अगर उसका टिश्यू निकाल दिया जाए ऊपर की पैकिंग, तो हार्ट बिखर जाएगा। किसी भी हमारी बॉडी की पैकिंग भी एपिथेलियल टिश्यू ने कर रखी है। हार्ट को अलग पैक किया, लीवर को अलग पैक किया, किडनी को अलग पैक किया, पैंक्रियास को अलग पैक किया, स्टमक को अलग पैक किया, लंग्स को अलग पैक किया, सबको पैक करके इसी बॉडी के अंदर डाल दिया, फिर बॉडी को भी पैक कर दिया। इसके ऊपर मसल्स डाल दिए, अब मसल की भी पैक, और फिर बॉडी की पैकिंग कर दी। तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की पैकिंग हो, चाहे हमारी बॉडी की पैकिंग हो, बोलो वो कौन सी काइंड ऑफ टिश्यू करती है? एपिथेलियल टिश्यू। समझ आ गई? सो दीज आर पैकिंग टिश्यू। ये कौन से टिश्यूज हैं? हाँ बोलो। वो तो अभी हम देखेंगे कि इसको एमएस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, क्यूबॉइड एपिथेलियल, कॉलमनर, जैसा आप बता रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि पैकिंग के लिए, सही है? पैकिंग की कोई भी है, चाहे बॉडी पैकिंग हो, चाहे ऑर्गन पैकिंग हो, वो कौन करेगा? एपिथेलियल। बोलो क्यों, समझ में आई बात की नहीं? अगला देखो, दूसरी चीज आती है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू दैट इज इनेबल्स अस टू डू लेबर, या हमें कोई भी काम मजबूती का करना हो, बकेट उठानी हो, कहीं कुछ पुश पुल करना हो, तो ये हमें किसके लिए करती हैं? इनेबल्स अस टू डू लेबर, सारे काम जो भी दौड़ने चलने फिरने के काम है, लोकोमोशन, इन सब के लिए कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? मस्कुलर। अब तीसरी देखिए, That is, कहीं पर भी हो आपकी बॉडी में, ऐसा कौन सा अंदर बहुत मेहनत का काम हो रहा होगा? क्या हार्ट बहुत मेहनत करता है? क्या वो टायरलेसली ब्लड को पंप करता रहता है? घर में भी पानी की मोटर होती है तो कितनी मेहनत करती है, खराब भी हो जाती है, तो इट इज ए, किसी चीज को पंप करना टायरलेसली का ही टीडियस वर्क नहीं है। सो इसलिए हार्ट भी इसी में आएगा, और हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो सब इसी में आएंगे, ठीक है? तीसरी चीज है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन को जो कनेक्ट करता हो, तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को कनेक्ट, ब्लड क्या कर रहा है? कहीं से खाना लेता है और कहीं खाना पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है? तो ब्लड भी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है कि नहीं, कनेक्ट करने का? बोलो इसको और इसको, दोनों बोन को भी कोई कनेक्ट कर रहा है, ये भी कनेक्ट कर रहा है, दैट इज लिगामेंट। कौन कनेक्ट कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक इस तरीके के लिगामेंट्स है। और इसके अलावा कभी तुमने जब कोई भी मुर्गे की टांग खाते तो बॉडी को नोचना पड़ता है ना, तो इसका मतलब है मसल बोन से चिपके हुए हैं, ऐसे नहीं है ये निकलने पे निकलेंगे नहीं, ये नहीं कि अरे हमारी मसल धीरे धीरे बार बार ही खिसक के नीचे आ जाती फिर मैं ऊपर कर लेता हूँ, बार बार ऊपर, ये सब मैं नीचे आ जाता था फिर ऊपर कर लिया पूरा ऊपर तक, फिर से हट जाती, क्या करें? मसल सरक जाती है कि ये बोन से लगी हुई है। जिसने बोटी खाई हो या कभी तुमने होटल में देखा हो तो बोटी खींच के खानी पड़ती है, वो बोन में चिपकी हुई है, ऐसे ही सरक नहीं जाता कि हाथ नीचे के सब झूल जाए। इट इज नॉट ए लंप ऑफ मीट, ये मांस का लौंदा नहीं है, सही है? तो अब बात समझ में आ गई। तो बोलो, अभी हमने आपको बताया इस बोन को, इस बोन से किसने कनेक्ट किया? ये ठीक है, ये लिगामेंट है। अच्छा, इस मसल को बोन से किसने कनेक्ट, एक है कि बोन को बोन से भी कनेक्ट कर दिया, मसल को भी बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, सही है? इसी तरीके से हमारा पूरा बोन पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, समझ आ गए? ये देखो इन्होंने कहा नोज, जो हिलती हुई बोन है, हिल रही है, तो ये कैसा हुआ बताओ? इट इज कार्टिलेज, कह रहे एक स्टिफ बोन है, रिजिड बोन भी है, और कह रहे जो कार्टिलेज है मुड़ने वाली वो भी आ गई। टेंडन और लिगामेंट, ध्यान दीजिए, टेंडन क्या है वो बता दे रहा है बाबा, फिर बताओ टेंडन जो मसल को बोन से, लिगामेंट क्या है, कार्टिलेज क्या है,
फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स, और स्टिफ मैट्रिक्स क्या है? बोन। समझ आ गई बात कि नहीं? सर लिक्विड मैट्रिक्स भी, लिक्विड मैट्रिक्स में एक है दैट इज लिम्फ और दूसरा है ब्लड, वो सब अभी हम देखेंगे, वो सब हम देख लेंगे अभी इसी में देखेंगे। अब हाँ बोलो सर, एक बोन को मतलब एक टिश्यू कह सकते हैं या फिर मतलब वो अलग अलग टिश्यू? अब ये हम आगे देखेंगे। तो अब इसमें ये देखिए, नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू, नर्व सिस्टम। हमारी बॉडी में यहाँ से यहाँ तक नर्व्स है और यहाँ से होकर ये पीछे स्पाइन है, उससे होकर माइंड में जा रही है। तो जब हम कोई चीज टच करते हैं तो ब्रेन तक पहुँचता है कि हमने गर्म चीज टच कर ली है, फिर ब्रेन क्या करेगी, मैसेज देगी हाथ हटा लो, हाथ हटा लो। बात समझाए कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी चीज, हॉट चीज या ठंडी चीज के प्रति रिस्पॉन्स होता है। तो ये कौन कर रहा है बताओ? That is nerves tissue. उसी से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। Our all complex process of thinking, it is involved in the process of control and coordination. हमने खाना यहाँ तक लिया तो खाना यहाँ पहुँच गया, नोज ने दौड़ के बताया खाना आ गया है। ब्रेन बोलेगा चलो होंठ मुंह खोलो, खाना आ गया है, उतनी देर में मुंह खुल गया। It is all process. स्मेल ने बताया, हाथ का भी मसल रहा बोल, इट इज कंट्रोल टोटली कोऑर्डिनेटेड। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पैर तुम्हारा उठाओ दूसरा भी उठ जाए, तुम गिर ना जाओगे, एक उठाए दूसरा भी उठ जाए तो कहाँ रहे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो इट इज ऑल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिलियंस ऑफ नर्व्स आर इन अवर बॉडी एंड दे आर डूइंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ अस। तो सब चीजें इसमें तो बहुत बड़ा है, टेंथ में तो पूरा चैप्टर है। तुम्हें ये बात पता चल गई कि एपिथेलियल, और पहला कौन सा है? एपिथेलियल। अब जरा देखें एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पांचवा कौन सा दिया है? तो पांच तो है ही नहीं। बोलो क्या करें? अभी इसके बहुत एक्सटेंसिव है तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। एपिथेलियल के पहले देखो, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, बस अभी हमने थोड़ा थोड़ा बताया। पानी भर जाए तो एपिथेलियल टिश्यू, इट इज सिंपलेस्ट टिश्यू। ओके, एंड इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड पैकिंग ऑफ बॉडी। नाउ जैसे कि हमने देखा था कि दीज फॉर्म कंटिन्यूअस शीट्स प्रोटेक्टिव टिश्यू, देखी थी एपिडर्मिस, कॉक्स और कंटिन्यूअस है, वैसे ही अभी कंटिन्यूअस। ओके नाउ देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसके टाइप्स देखो, स्क्वैमस। स्क्वैमस टिश्यू कैसा होगा कि इनर चीक लाइनिंग्स में जो है, बस ऐसे चाय गर्म पी लो तो निकल आती है ना वो अंदर वाली है पूरी, होंठ के नीचे ज्यादा हो तो छिल जाती है कि नहीं, बहुत पतली से ये सिंगल लेयर होता है। तो दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल कैसी होगी? दैट इज
ये वन सेल थिक होगी, ऐसा तुमने देखा था एपिडर्मिस में। तो वैसे कई चीजों की पैकिंग के लिए हमारी बॉडी में, और ये सब ऐसे हैं, इन्हीं में न्यूक्लियस है सब में, तो कहीं कहीं पे न्यूक्लियस है, कहीं कहीं पर। सर एक सेल जितनी मोटी होती है? हाँ, इट इज वन सेल थिक। और ये कैसा होगा? मोज़ेक स्ट्रक्चर, इट इज बिल्कुल एपिडर्मिस है, जो अपर एपिडर्मिस है यही है। इट इज मोज़ेक स्ट्रक्चर, इम्परमिएबल टू एनी सब्सटेंस, इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते सब्सटेंस, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में, इस स्क्वैमस के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट, थिन होगी फ्लैट, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप्ड वन सेल थिक शीट। समझ में आई इसका बात? वन सेल थिक शीट है, मतलब इसके द्वारा कुछ आर पार नहीं हो सकता। इट हैज मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर, सही है, जैसे चाइना मोजाइक होती, टाइल जगह के ऊपर टुकड़ियां होती हैं। सो इट हैज मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर, ओके। नाउ ये किस किस जगह पर पाई जा सकती है? कि इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट इरेगुलरली शेप्ड सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद ईच अदर। ये जो डिफरेंट इरेगुलर शेप है, वो अगर बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हो जाए लक्षिता, तो क्या वो चाइना मोजाइक ना बन जाए? सही है कि नहीं? और जहां जहां कभी डेलिकेट लाइनिंग होगी बॉडी की, ये वहां पाई जाएगी। इट इज फाउंड इन डेलिकेट लाइनिंग, ओके। देखो आना, इररेगुलर शेप की हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, वन सेल थिक हैं, दीज आर फाउंड इन डेलिकेट लाइनिंग। जैसे नोज की इनर लाइनिंग, कभी इसमें अगर ज्यादा तेजी से कोई चीज या इंस्ट्रूमेंट लग जाए, अंदर से ब्लड आ जाएगा, ये बहुत वैसी नहीं है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ चीक, नोज लाइनिंग, इसी तरीके से जो सेल है ब्लड सेल्स के ऊपर की लाइनिंग, ये सब यही। ईयर ड्रम हो सकता है, ईयर ड्रम के अंदर की जो लाइनिंग है वो हो सकता है। तो मैं अभी देख लेता हूँ। सर टंग, तो सर टंग, टंग नहीं, टंग ग्लैंडुलर है, चेक करें। सो और क्या बताया, ठीक है, सेल्स कैसी है बताइए, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। बाकी आना तुमको यहाँ पता तो चल रहा है ना, वन सेल थिक है, वन सेल थिक है। जरा इसे देखो कहाँ पाई जाती हैं। सो दीज आर फाउंड, इसका अकरेंस कहाँ है? दैट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ नोज, लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल, समझते हो नथुने? नॉस्ट्रिल्स, हमारे एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हैं, वहां पाई जाएंगी। इनर लाइनिंग ऑफ चीक, ऑफ शीट्स, अंदर की तरफ पाई जाएंगी। और कहां पाई जाएंगी? कह रहा है कवरिंग ऑफ टंग, लेकिन दूसरी जगह भी बोलेगा ये, एंड स्किन, तो ऐसा बोल रहा है। अभी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में देखेंगे, ठीक है। ये सब पाई जाएगी कि ईसोफेगस में पाई जाएगी। ईसोफेगस का क्या मतलब है? फूड पाइप, फूड पाइप में पाई जाएगी। सर जो टंग है सर, वो वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री? अब देखो,
जो टंग है, टंग की लोअर लाइनिंग हो सकती है, अपर वाली ग्लैंडुलर है। टंग भी पूरी पूरी है ना, अलग अलग बनी। आप देखो ऊपर की सरफेस अलग है, लेकिन जो नीचे की है ना लोअर लाइनिंग, तो वहाँ ये लोअर लाइनिंग ऑफ टंग। ये सिंगल सेल है, जबकि हमारी स्किन मल्टी सेल्ड है। ये कुशनिंग इफेक्ट दे रही है, लोहे पे भी मारो तो फटती नहीं। अब इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, अगर ये है गाल, जरा सा इस पर लोहा रगड़ दो फटफटा जाए, और यहाँ कितना भी मारते रहो कुछ होता है। इस तरीके से इसका एक अगला एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, उसमें लिखेंगे। तो उसमें स्ट्रेटिफाइड नहीं लिखा ना, एक अलग टाइप। हम अभी पांच टाइप बताएंगे। तो जो स्ट्रेटिफाइड है, तो इसके अगली लाइन आप लिख सकते हैं, इफ इट इज मल्टीलेयर देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, नाउ स्किन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। उसको हम अलग से बता रहे हैं। हाँ, ये सिंपल स्क्वैमस बता रहे हैं। अब हम इसमें लिखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो पहला क्या बताइए, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल है, इसको स्क्वैमस कहेंगे, स्क्वैमस ही लिखा है, स्क्वैमस लिखो। अब दूसरा क्या बताया जाएगा, सबक्यूबॉइड स्ट्रेटिफाइड। सर स्ट्रेटिफाइड तो अलग में है। देखो अभी तुमको इसमें दिखाते हैं फ्लो चार्ट में, नेट में सब जगह अलग अलग दिया है, हम भी अलग अलग बता रहे हैं, करने को कर लेना। ये देखो दिखाया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही है बस, नेट पे भी पढ़ा है। आप मर्ज कर लेना, हम इसमें बता दे रहे हैं स्किन, अभी आप समझ लो थोड़ा अलग अंतर इसके। चलो जैसे तुम्हारे घर में आज का पेपर है, रोज का पेपर रखते जाओ, तो जो सबसे ऊपर पेपर है वो फ्रेश हो, जो नीचे का वो रद्दी हो जाएगा, तो बहुत मल्टी लेयर्ड हो जाए अगर स्क्वैमस, तो उनको क्या कहेंगे, उनका स्ट्रेटम बन गया है, स्ट्रेटा ढेरी। स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है, ढेरी। एटिमोलॉजी क्या है स्ट्रेटा, ढेरी। तो जब बहुत ज्यादा कर तो उसको फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहेंगे। तो इसका मतलब है स्ट्रेटम से बना है, स्ट्रेटम का मतलब गड्डी, जब किसी चीज की गड्डी हो या घेरी। सो नाउ ये कहां पाई जाएंगी, जरा बुक में देखो क्या इसका फिगर बना हुआ है। तो बहुत सारे फिगर तो है, ये है अगले पेज पे। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में इस तरीके से दिखाया गया है, अगर मान लीजिए इसके बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर मल्टी लेयर्ड हो तो इसे क्या कहेंगे, इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। है वही स्क्वैमस, लेकिन कई लेयर पे क्यों रखा गया बताओ, जिससे कुशनिंग इफेक्ट दे। सो व्हेन स्क्वैमस बिकम्स मल्टीलेयर्ड इन विच द अपर लेयर्स आर डेड सेल्स, ऊपर वाली कैसी है, कैसे पता चल रहा है दीदी डेड सेल है, फिगर में देख के कैसे पता चल रहा है। हाँ, इट इज नॉन न्यूक्लियेटर, नीचे वाली में क्या पता चल रहा है, समय न्यूक्लियस, ऊपर वाली में मत बनाना न्यूक्लियस, ऊपर की दो तीन लेयर में मत बनाना। देख लो जिसके पास अच्छी बुक है प्रिंट, उसमें देख लो न्यूक्लियस नहीं है। ऊपर के में मैंने नहीं बनाया, ठीक है। सो दीज आर लेयर्स के डेड सेल्स हैं और ये लाइव सेल्स। Now, okay, simple squamous epithelial tissues are same, इन्होंने बोला simple, book में simple लिखा, simple भी लिखा, simple किसने बताया था, ब्लूम ने। अब दूसरा देखो, ठीक है, stratified squamous में भी कुछ चीजें देखिए, इसका क्या है,
इफ स्क्वैमस सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लेयर ओवर लेयर देन दे फॉर्म मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, इफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू स्टैक का भी मतलब भेरी होती है, वन ओवर अदर देन दे फॉर्म मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. कहने का मतलब है तुम्हारी ऊपर की स्किन, कभी तुम मद्रास उद्रास जाके देखो स्किन निकलने लगती है, जब दूसरे क्लाइमेटिक चेंज में जाओगे तो कभी कभी स्किन का रिमूवल देखा है आपने, एक जगह से सडन क्लाइमेटिक चेंज में पोस्टिंग जिनकी आई होती होगी उन बच्चों ने नोटिस किया होगा कि स्किन एक लेयर ही निकलने लगती है. तो ऐसे में वैसे भी हमारी अपर स्किन कई बार हम लोग इसको साफ करते हैं तो निकल भी जाती होगी, लेकिन नीचे से नई एपिथीलियल आती रहती है. समझ आई बात की नहीं? सो न्यू एपिथीलियल टिश्यूज आर गेटिंग जनरेटेड हाउ एवर ओल्डर एंड डेड वंस आर गेटिंग डिकेड इन दिस वे दिस प्रोसेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, सच टिश्यूज गिव्स अस ए कुशनिंग इफेक्ट. तो ये कुशनिंग इफेक्ट भी देगी, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होगा ना. सर हमारे स्किन में जो मेलानिन होता है वो इसी में होता है. इसी में होता. तो हमारी जो स्किन है ये ऐसी मल्टी लेयर्ड है. बाकी तो जो इसमें पाया जाएगा उनके बारे में तो हम लोग चर्चा कर लेंगे, बट दिस इज लाइक दिस मल्टी लेयर्ड स्किन. इसमें और भी जो भी होता है कि सेरोटोनिन वो जो भी होती है जिससे कि हम लोग का वो जो सुबेसियस ग्लैंड होती है पसीना निकलता है ये सब भी होता है कि नहीं, वो इसी में ही है, हेयर भी इसी में है. तो इट इज़ ए काइंड ऑफ स्किन, स्किन मल्टी लेयर है. अब जरा देखें तो इसमें सेकंड टाइप होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. This is used for packing of body. It is called skin. उसको क्या पढ़ाती रहती है तुम? पूरा टाइम पढ़ाती रहती हो, पीछे बैठ जाओ, हमारी भी क्लास चले तुम्हारा भी काम, तुम्हें बात करने को नहीं रोक रहे, हमारी क्लास में पढ़ रहे. तुम जब से आई हो एक बच्चा नहीं है हमारी क्लास में, इसका पढ़ रही वहाँ नहीं जाएंगे, जब का तुम्हारा इम्पैक्ट है सब जानते हैं तुमको. हम कहते हैं नहीं पढ़ रही है, देख लो आगे चेक कर लो, पता नहीं मोस्टली आती नहीं है, लेट आती है, नहीं पढ़ रही हमारा, कौन जानता है. इट इज कॉल्ड स्किन. इट्स आउटर लेयर्स आर डेड एंड इनर लेयर्स आर Life. Its outer layers are dead and inner layers are alive. तो ये क्या करेगी? It is waterproof and highly resistant to multiple injury, mechanical injury. वाटरप्रूफ है, इतनी तेज मास्टर चांटा मारता है, मजाल है कि ये फट जाए, छी नहीं तो फट जाए, खाना निकल जाए मुंह के अंदर, मानी जो टॉफी वॉफी रखी है निकल जाए बाहर गिर जाए, मजाल है कभी होता. इससे पता चलता है कि मैकेनिकल इंजरी के लिए रेजिस्टेंस है. इट इज वाटरप्रूफ. हम जो नहाते धोते हैं पानी अंदर नहीं चला जाता शरीर के, इट इज वाटरप्रूफ एंड हाइड्रोफिलिक resistant to mechanical injuries. Mechanical injuries. इसके अलावा भी ये हमको cushioning effect देता है. बोलो पानी भर गया. हम कभी ऐसे लकड़ी वकड़ी पे भी गाल रख के सो जाए तो क्या हमें हार्ड तो नहीं लगता ना कि बोन तक पहुंच जाए, तो cushion effect तो देता होगा ना. So it gives us cushioning effect. Good.
वैसे भी इसको तुम यहाँ हाथ रख के देखो, ये कितना कुशन दे रहा है, इसे दबा के देखो, यहाँ इतनी मल्टी लेयर्ड है। एल्बो, एल्बो की स्किन तो बहुत मोटी होती है, और ऐसे ही पकड़ के देख लो कितनी मोटी लग रही है। दैट इज कुशनिंग इफेक्ट। तो दूसरी चीज हमने देख ली, अब तीसरा देखो, कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल के बारे में जरा एक बार पढ़ो, बुक में क्या लिखा है बताना है। ये फूड पाइप को क्या कहते हैं? इसमें भी पाया जाता है। विंड पाइप का देख लेंगे, अंदर कहीं बहुत सॉफ्ट लाइनिंग में पाए जाते हैं। सर लेकिन विंड पाइप भी बहुत सर सॉफ्ट होती है, वो इस तरह से होगा तो अब उसको देखने में पता चलेगा और नेट से पता करना पड़ेगा। कॉलमनल एपिथेलियल टिश्यू देखो, कॉलमनल एपिथेलियल का मतलब है कि ठीक है, जिसमें कॉलम होते हो, जरा ऐसा देखो कि बुक में बना हुआ है इसका डायग्राम कॉलमनल। तो ऐसा होता हो, और व्योम इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है बोलो, ये देखो इस तरीके से बहुत सारे कॉलम हैं ऐसा, और इसमें बेसल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट रहेगा? बेस। तो जितनी भी अभी तक हमने आपको बताई एपिथेलियल टिश्यू, सभी यूनि न्यूक्लिएटेड है, सब में एक न्यूक्लियस है। अभी हम ये देखेंगे कई बार सेल मर्ज कर जाती हैं, जब मैं मस्कुलर टिश्यू की बात करूंगा, और सबके न्यूक्लियस वहीं वहीं रहेंगे, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। ये सब अगर मर्ज कर जाए तो क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड ना हो जाए? तो वो आएगा मसल से। लेकिन ये सब कैसी बताइए? यूनि न्यूक्लिएटेड, अलग अलग सेल अलग अलग, ठीक है। सो इट इज अगेन यूनि न्यूक्लिएटेड, ठीक है, elongated. So these are uninucleated elongated and having basal nucleus. These are found at surface of intestine as structure of villi. इस चीज को जरा देखो कि वास्तव में ये कैसा स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? माइक्रोविलियम। अब देखो जो भी सिंगल प्रोजेक्शन, देखो हमने वो भी दिखाया कि लंग्स के अंदर एल्वियोली होते हैं। लंग्स के अंदर क्या होते हैं? एल्वियोली। अगर इतना ही जानती हो तो बताओ इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, और लंग्स में ब्रोंकाई के टर्मिनल पे क्या होते हैं? एल्वियोली। अभी दिखाया था ना वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर। चलो सो अभी हम थर्ड पर हैं, कॉलमनर एपिथेलियल। ओके, तो कॉलमनर एपिथेलियल देखो,
अभी देख लेंगे, मुझे लगता है एल्वियोली का इसमें लिखा नहीं है क्या? एल्वियोली किस, एल्वियोली में क्या लिखा है? सर नहीं लिखा, चेक कर लेंगे अभी, नेट से चेक करेंगे। सर सीलिया लिखा है वो। हाँ सर सीलिया के बारे में। सर सीलिया, 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 सीलिया। चलो अब देखो, इट इज कॉलमनर, तो इट इज फाउंड इन, कहाँ पाई जाएगी? इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में भी ये होती है, अंदर हो सकता है, ऐसे मूव कर रहे हैं सीलिएटर, एक और वैसे हमको मालूम है ये चीज इंटेस्टाइन में तो होती है। अब कह रहा है स्टमक, तो आप इतना ना लिखो, लिखो इट इज प्रेजेंट एट इंटेस्टाइनल लाइन, ये तो समझ में आ रहा है ना, इंटेस्टाइन में तो होंगी नहीं। सो इट इज इंटेस्टाइन तक जाते जाते खाना बिल्कुल पच जाता है। हम लोगों से ज्यादा बड़ी इंटेस्टाइन, हम लोगों में होता है, मैंने 9.5 मीटर की है, खरगोश में 50 मीटर की होती है, गाय में 50 मीटर की होती है। गाय तुम्हारे घर की साड़ी खा ले तो पूरा दिन उसे खाने की जरूरत नहीं, साड़ी पचा लेगी, मस्ती में घूमेगी। अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, गायों को कुछ नहीं दे रही, मम्मी रोटी नहीं दे रही, अपनी एक कॉपी निकालो गाय के सामने डाल दो, गाय खा लेगी, सेलुलोज पचा लेती है, तभी तो 50 मीटर की है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल 50 मीटर की, वो सब पचा सकती है सेलुलोज। हम लोग रुई खाए नहीं पचा सकते, गाय खा ले पचा ले, कॉटन, कॉटन की रजाई रजाई खा ले तो ठीक है, और अगर शेर की तो समझो हमारी 9.5 की है ना, शेर की 5.5 मीटर की है, अगर उसको तुम रोज रोटी खिलाओ सब्जी खिलाओ वो मर जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं पचा सकता, उसको सीधा प्रोटीन फ्लश ही चाहिए, वो मर जाएगा अगर तुम उसको कुछ भी ये सब दे दोगे, खाना पीना अच्छी थाली, वो पचा ही नहीं सकता। हम लोग सेलुलोज या खीरा नहीं पचा सकते, खीरा 99.9% सेलुलोज है, वो रफेज का काम करता है। जब हम खीरा खाते हैं तो खीरा काम करते हैं ना, उसको मत बताओ, उसको सब पता है, खीरा खाते हैं ना तो हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल को सिर्फ साफ करता है, वो तुम्हारे पास रेस्टोरेंट पे ला के पहले सलाद ही रखता है, कहता है आधे घंटे इसको खाइए, सफाई तो कर लीजिए, खाना आ रहा है पीछे, इसीलिए तो रखता है। जो रोज खीरा खाता है रोटी नहीं खाता सर, वो मर जाएगा एक हफ्ते में, अगर किसी को मारना हो तो एक हफ्ते तक खीरा दे, पचा ही नहीं पाएगा। खीरा पचाने के लिए 50 मीटर की लंबी एल्टीमेंट्री कनाल है तुम्हारे पास, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, इट इज फाउंड, ये कहां पाया जाएगा, इट इज फाउंड एट इनर लाइनिंग, ऐसा हमने लिख दिया क्या? यस सर। चलो ये सारी चीजें लिख दी हैं और ओविटल, अच्छा इट इज फाउंड, आल्सो फाउंड इन ओविटल, ओविडक्ट समझते हो? यस सर। दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब जब एग का फर्टिलाइजेशन होगा ना तो ओविडक्ट में जाएगा, देखो ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, सीलिया यही है जो इसके ये ऊपर निकले हुए है ना, इन्हीं को प्रोजेक्शन जो होते हैं इनको सीलिया या रोमाब कहते हैं। अब देखो आपको इसमें हमने क्या बता दिया, ये दैट इज इट इज फाउंड इन ओविडक्ट एंड विली, दो जगह तो कंफर्म लग रहा है ना आपको कि जहां जहां जरूरत है। अगला देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होता है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे तुम बहुत धूल वाली जगह पे जाते हो तो तुम्हारे नोज से म्यूकस बार बार निकलता है, क्यों? क्योंकि जो डस्ट है इसके अंदर इसको क्या देना होता है, एक तरीके का म्यूकस की लाइनिंग है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल को कौन फिल्टर करेगा, क्या सीलिया? सीलिया नोज की लाइनिंग में है, यहाँ तक पूरा है सीलिया, और ये क्या करेगा, डस्ट आएगा वो म्यूकस पे चिपक जाएगा, फिर उल्टा फेंकेगा, उल्टा फेंकेगा तो हमारी नाक से फिर सूखा सूखा निकलेगा, वो हम लोग पानी से धो लेते हैं कि नहीं, बार बार हमारी नोज में से वेस्ट क्यों निकलता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल को पीछे से ऊपर कौन फेंक रहा है, सीलिया, सीलिया यही, तो ये फेंकता है डस्ट को ट्रैप करके।
अगर लंग्स में चला जाए तो अस्थमा हो सकता है, इसी तरीके से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या दमा की बीमारी हो सकती है, तो उन सबसे ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, उन सबसे हमको कौन बचाएगा? सीलिया, ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये उसमें से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर करके ऊपर भेज देगा और वो म्यूकस के साथ वो चिपक करके बाहर निकल जाएंगे, जो ब्लैक कलर के वो डस्ट पार्टिकल ही तो है। अगर तुम ऐसे रहो हिमालय में या मनाली शिमला में तो तुम्हारे नाक से कभी कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ डस्ट ही नहीं है, तो उसका उतना काम नहीं, जहाँ डस्ट होगी तो वहां ज्यादा काम होगा। अगला देखिए, तो क्या लिख दिया जाए बताइए, इनर लाइनिंग ऑफ विंड पाइप, क्या लिखा है? नॉस्ट्रिल ना, रेस्पिरेटरी, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी टैक्ट, चौथा देखो क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ये भी ये हमारे किडनी में पाए जाते हैं और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसा। क्या बताया गया है? इट कंटेन्स क्यूब लाइक सेल, इट contains cube-like cell, ठीक है? Now, and found in kidney tubules, ज्यादा लिखना नहीं है, found in kidney का dissection उसमें किया था ना एक lady ने, तो छोटी छोटी kidney काटेगा तो बिल्कुल वही चीज निकलेगी, brown color की रहेगा, found in kidney, ये filter करेगा इसी चीज को, okay? इसी तरीके से it is also found in salivary glands, found in salivary glands, जरा इसी में देख लें, अगर इसी में से एक ऐसी हो जाए बीच में, यह अब इसी में एक ऐसा बन जाए कुल्हड़ टाइप, तो फिर उसमें कुछ जूसेस हो, एक सेल ऐसी हो जाए, आप सिर्फ इतना देखो कि मैं अपने घर में जो कुत्ता है चीकू, उसके सामने रोटी रखता हूँ तो टप 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 लार्ज टपकती, हम लोगों की भी टपकती है लेकिन मुंह में रह जाती है, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता है, हम लोग बाहर नहीं गिराते, लेकिन जो डॉग है उनमें सलाइवेशन बहुत जबरदस्त होता है, तो सलाइवा तो निकलती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने में सलाइवा का योगदान है, सलाइवा उस चीज को क्या करती है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी ओनली, माउथ से ही तो डाइजेशन स्टार्ट होता है और उसमें सलाइवा का रोल, तो इसलिए ऐसा जरूर ऐसा हो सकता है कि कहीं क्यूबॉइडल हो और साथ में उसके साथ अगर ग्लैंड हो, इसे ग्लैंड कहते हैं कुल्लर टाइप जूस भरा, उसको कहेंगे क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंड होने से वो ग्लैंडुलर हो जाएगी, तो ये है क्यूबॉइडल, हमारी टंग क्यूबॉइडल तो है लेकिन उसमें ग्लांड्स भी तो है बीच बीच में, तो बहुत सारी अगर ग्लांड्स होंगी तो ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल नहीं हो जाएंगे, और जहां ग्लांड ना हो तो सिर्फ क्यूबॉइडल, किडनी में क्यूबॉइडल है और टंग में क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर, समझ आया? फाउंड इन सेलिवरी ग्लैंड, तो इसमें हम क्या लिखते हैं बताइए, इट इज फाउंड इन किडनी, इफ ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल किसमें प्रेजेंट होते हैं, टंग में, देन इट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर कहा जाएगा,
इस चीज को कल कंप्लीट कराएंगे, संडे को इस बार 2 घंटे की क्लास होगी टेस्ट में। कल भी साइंस की क्लास।